बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे हजरात, आज का वाक्या बहुत ही अच्छा हम बयान करेंगे। क्या आप जिंदगी में कभी मायूस हुए हो या अल्लाह ताला से आपका भरोसा उठ गया है? तो दोस्तों, यकीनन आप जान लीजिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला, आप कभी भी अल्लाह ताला का भरोसा नहीं, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ोगे उसका और उस पर यकीन रखोगे। तो सबसे पहले हम आपको बयान सच्ची बात बताते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और आज का वीडियो और आज की हमारी बातें सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप जरूर जरूर अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे। तो और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमनाम करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन कोई समझते नहीं। तुम जानते हो कि हजरत मूसा के पीछे बोझ लगी हुई थी, तब अल्लाह ताला ने क्यों समुंदर को वो दो हिस्सों में बांट दिया? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी सच्ची बात यह है। आपको देखो, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पे बिल्कुल यकीन था और बिल्कुल यकीन पे यकीन था, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नबी थे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, रबी जब थे उन्होंने कभी भी ऐसी उन पे ऐसी मुसीबतें आई है, लेकिन अल्लाह ताला का कभी भी उन्होंने भरोसा, जो बिल्कुल भरोसा किया है, यकीन किया है। और तो दोस्तों, दूसरी बात हम आपको बताएंगे, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे इस कदर फौज लगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी भी उन्होंने कभी भी उसको यकीन नहीं झुटलाया। तो दूसरा हम आपको पेश करते हैं हजरत इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया, तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया? तो दोस्तों, दूसरी बात यह है, तुम जानते हो कि क्यों उसने हजरत यूसुफ को कुएं में भी पाला था? तो दोस्तों, ये यकीन की बात थी। दोस्तों, जब यकीन था हमारे नबियों को, नकी यकीन था अल्लाह ताला पे, और इतनी मुसीबतें थी उनके ऊपर, इतने कि उनकी कौम तो उनकी बातें भी नहीं मानती थी। तो दोस्तों, ये मायूस वो कभी नहीं हुए इस दुनिया में, जब भी रहे, जब भी कोई अल्लाह का नेक बंदा, वो मायूस नहीं हुआ। और आग को इस तरह, जब हजरत इब्राहिम को आग में जाने का हुक्म दिया, तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया? तो दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनको यकीन था हमारे नबी को, उसी तरह भी अल्लाह ने हमें निशानियाँ दी है, ये सच्ची हिकायत दी है। तो दोस्तों, आग अल्लाह ताला ने आग में रखा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो दोस्तों, ये वो दूसरी निशानी है। वो तीसरी निशानी के बाद में हम आपको बात करते हैं। आप जानते हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनको बचपन में ही कुएं में धकेल दिया था और अल्लाह ताला ने उनको कुएं में भी पाला। क्या नहीं ये यकीन था उनको? क्योंकि वो अल्लाह के बहुत ही अच्छे नेक नबी नबी करीम थे, और उन्होंने कभी भी यकीन रखा, यकीन बिल्कुल 100% रखा था उन्होंने, कभी भी यकीन को तोड़ने नहीं दिया। तो दोस्तों, क्या आप भूल गए हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने किस तरह से उनको नीचे बगेल दिया? तो दोस्तों, ये बात वो है। और तो उनको अच्छी तरह, जब वो कुएं में रहे तो काफ़ी दिन तक कुएं में रहे, और उन्होंने अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाए मेरे इस नेक बंदे को, मेरे नबी को, मेरे रसूल को, जाओ तुम इसको वहीं पालो। तो ये देखो, क्या ये यकीन नहीं था? तो मायूस वो कभी नहीं हुए, अल्लाह की हमेशा भरोसादारी रही, अल्लाह पे हमेशा ईमान रखा है। तो दोस्तों, ये मेरे अल्लाह ताला का यही बात है कि जब तुम मायूस हो जाओगे या दो तुम गुमनाम हो जाओगे, जब तुम गुमनाम की जिंदगी से ख़त्म हो जाओगे, वहाँ से अल्लाह तुम्हारी राहें खोल देता है। तो दोस्तों, ये तुम सब जान लो कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदे पे, नेक बंदे पे नज़र रखता है। क्या तुम भूल गए हो दोस्तों, यूनुस को मछली में भी आपको देख लो, हजरत हाजरा को भूल गए हो क्या? यो भी एक यकीन थी, सफा मरवा के कितने सात चक्कर लगाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सबर दिया। आप जानते हो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को सेहरा में भी जमजम दिया, क्योंकि हजरत यूनुस
उसके बाद में हम बताएंगे हजरत यूसुफ असलाम के बारे में। तो आज देख लो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं कलमा पढ़ने वाले, वो आबे जमजम को पीते हैं और अल्लाह का निशानी की एक निशानी है वो। और तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पे कभी भी इस तरह मायूस ना हो जाओ। तुम अगर मायूस हो जाओगे तो देख लेना, मायूस के लिए वो अल्लाह ताला नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं इबादत करने के लिए, ना कि ये दुनिया बसाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जितनी भी मैं निशानियाँ आपको बता रहा हूँ, जितने भी पैगंबरों की बात बता रहा हूँ, उन्होंने यकीन था, क्योंकि इतना बड़ा यकीन कि पूछो मत। अब जब यही सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कितनी निशानी बता चुका हूँ, और एक भी निशानी सच्ची हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बताया करो। तो दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं, दूसरी आपको बात बताएंगे हजरत जो थे हमारे। तो दोस्तों हजरत हाजरा भी ने भी कितने चक्कर काटे थे उस गर्मी में, भरी गर्मी में और इधर उधर, और अल्लाह ताला ने उस सूखे पहाड़ में से जमजम निकाल दिया। ये भी एक निशानी थी, क्योंकि वो अल्लाह का नाम लेती थी और बार बार 7 बार वो उस पहाड़ पे गई थी, लेकिन अल्लाह ताला को कभी भी उसने मायूस नहीं हुई। तो दूसरा दोस्त, अब आगे चलते हैं, हजरत यूनुस को मछली के पेट में भी महफूज रखा। तो दोस्तों क्या भूल गए हो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या वो उन्होंने समुद्र में गिर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वहाँ भी पाला है, क्योंकि उनको यकीन था, इस तरह यकीन था। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, तुम मायूस ना हो, अपने अलरब से मायूस अगर हो गए तो समझ लो तुम आखिरत के लिए अपने ही लिए अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो यही सब है, जब अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां हमें दी है, इतनी निशानियां कि हम तो उसको कुछ भी झुटला भी नहीं सकते, कोई भी निशानी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कितने दिन, आपको पता है, 40 दिन तक उनको पेट में पाला गया मछली के, और फिर बाद में उनको जमीन पे लाया गया। तो दोस्तों क्या भूल चुके हो तुम सारी बातें। तो दोस्तों अगर नहीं भूले हो तो देख लेना, ये सारी सच्ची हिकायत है। तुम मायूस मत होना, मायूस अगर हो गए उस रब से तो समझ लो आखिरत में नुकसान उठाओगे। हमेशा अल्लाह ताला पे अपने यकीन रखो। और अब हम बात करते हैं किसकी, ऐसे शख्सियत की, तो जरूर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हजरत जकरिया को उम्र के आखिरी हिस्से में, आपको बता दो हजरत जकरिया इतने बूढ़े हो चुके थे, तो दोस्तों यानी कि आखिरी हिस्सा रह गया था उनकी उम्र मुबारक का, तो आखिरी हिस्से में भी औलाद से नमाज दिया। सुभान अल्लाह, क्या मेरे अल्लाह को तुम इस तरह से क्या यकीन नहीं करोगे, ये सारी निशानियां नहीं आपको पता। हजरत जकरिया एक बुजुर्ग हो चुके थे हमारे नबी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने ऐसी औलाद से उस टाइम पे जब वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे तो उनको औलाद से नमाजा। तो दोस्तों यकीन रखना के खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला, वो सब उस पर यकीन रखें करते थे। तो दोस्तों अल्लाह ताला पे यकीन करो और आगे बढ़ते रहो, और देखो वो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तो कल तो ये है कि रास्ता ना हो और तुमको हो अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, और जब तुम उसका अच्छा गुमान